नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अब वक्त हो चला अपराध जगत की कुछ बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर में कादीपुर कोतवाली के जलालपुर गांव में पूनम नाम की गर्भवती महिला और उसके सास ससुर को दबंग लोगों ने बुरी तरीके से पीटा। 3 दिन तक थाने का चक्कर लगाने के बाद भी पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की, जिसके बाद पूनम ने पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा से इस मामले की शिकायत की है। अमेठी के मुसाफिरखाना कस्बे में दिन दहाड़े 14,000 रुपए की लूट हुई। पीड़ित का कहना है कि हमारी दुकान के सामने कार सवार 3 लोग रुके और रास्ता पूछने के बहाने रुपए लूट ले गए। अमेठी में थाना गौरीगंज पुलिस ने महिला के ऊपर रासायनिक पदार्थ फेंक कर मोबाइल चोरी करके भागने वाले अमरनाथ उर्फ राजू नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अमेठी में थाना जामो पुलिस ने अवधेश कुमार सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी पर कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। अमेठी थाना पुलिस ने अनूप कुमार सिंह नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा बरामद किया है। अमेठी में थाना जामो पुलिस ने अपहरण में वांछित संदीप उर्फ राम सेवक नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जौनपुर के शाहगंज में मौजूद आजमगढ़ मार्ग पर पेट्रोल पंप के बगल में बेशकीमती भूमि राजकुमारी देवी की है, जिस पर हाईकोर्ट का स्टे होने के बावजूद भी भाजपा नेताओं सहित कई दबंगों ने जबरदस्ती जेसीबी के जरिए कब्जा करने की कोशिश की, जिस पर राजकुमार देवी से मारपीट होने पर पुलिस ने कई भाजपा नेताओं सहित अज्ञात लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। जौनपुर में थाना खेतासराय पुलिस टीम ने 3 आरोपियों मोहम्मद नदीम, मोहम्मद तारिक और रिजवान अहमद को गौमांस और एक कार के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जालौन में कोंच नगर के मोहल्ला मालवीय नगर में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा की 63 वर्षीय पत्नी राममूर्ति देवी का कल देर रात राजकीय मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान हार्ट अटैक से निधन हो गया। जालौन कोच कोतवाली के मोहल्ला जवाहर नगर में गर्भवती महिला ने पति पर बुरी तरह मारपीट करने का आरोप लगाते हुए देर रात कोतवाली पुलिस में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की, जिसकी वजह से महिला ठंड में देर रात नंगे पैर मजबूर अपने घर लौट आई। आपको हमारी खबरें कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन खबरों को आप यूट्यूब पर देख रहे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक के माध्यम से आप जुड़े हैं तो पेज को लाइक करके फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।